जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप प्रेतों के बारे में सुनेंगे। प्रेत बनते क्यों हैं? किस लिए प्रेत बनते हैं? तो सबसे पहले हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, यह हनुमान जी का छोटी सी आराधना का मंत्र है, जो मनुष्य रोजाना इस मंत्र का 11 माला रोज जप करके निकलता, उसके ऊपर प्रेत बाधा कभी नहीं लग सकती, चाहे उसका कालसर्प दोष हो, चाहे नाग दोष हो, चाहे प्रेत दोष हो, या चंद्र ग्रहण दोष हो, या सूर्य ग्रहण दोष हो, या मंगल हो, उसके ऊपर प्रेत प्रभावित नहीं करेंगे। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, अगर ये मंत्र बोलते हैं तो प्रेत परेशान नहीं करेंगे। अब प्रेत लगते क्यों हैं? सबसे पहले इस चीज के ऊपर गहन विश्लेषण किया गया। 25 साल का अनुभव के आपके सामने रख रहे हैं कि किसी भी जन्म में, मतलब इस जन्म में भी और इसके पहले जितने भी जन्म लिए, उन सब जन्म में पूर्व जन्म किसी दूसरे की दौलत को हड़पा हो, बहुत गौर से समझना। इसलिए कहते हैं कि दूसरे की दौलत को नहीं ध्यान रखना है, किसी दूसरे की दौलत को हड़पा हो, किसी दूसरे की मकान को हड़पा हो, खेती को हड़प लिया हो, जिससे उनका नुकसान हुआ हो, वह जीव आत्मा संपत्ति में अटकी हुई वासना के कारण, जो व्यक्ति ऐसा हड़पता है उसको तकलीफ देती, यानी आज के जमाने में जो मनुष्यों को, स्त्रियों को जो प्रेत लगते हैं, पुरुषों को जो प्रेत लगते हैं, उसके पीछे का कारण यह कि वह पुरुष या वह स्त्री पिछले जन्म में किसी न किसी की धन दौलत को हड़प करके आई है। धन हो गई, दौलत हो गई, संपत्ति हो गई, जमीन जायदाद हो गई, उनको हड़पा है या किसी के लिए उन्होंने कब्जा कर लिया और उनको भगा दिया। यानी वो जीव आत्मा का शरीर जलकर भस्म तो हो गया, परंतु कर्म के अनुसार उसकी गति नहीं हुई, और कर्म के अनुसार उसकी गति न होने के कारण वह दुष्ट आत्मा पिशाच योनि, प्रेत योनि धारण कर लेती है और कष्ट प्रदान करती है। इसीलिए किसी दिन जो पैसा हमने नहीं कमाया, जो हमारे चाहे पिताजी ने कमाया हो, दादाजी ने कमाया हो, काका ने कमाया हो, पर जो पैसा हमने नहीं कमाया मेहनत से, उस पैसे को लेने का आपका हक नहीं है। किसी और की संपत्ति, किसी और की स्त्री, किसी और का मकान जो हमारा नहीं है, हम उस पर अधिकार कैसे कर सकते हैं? और यदि आपने अपने शारीरिक बलबूते पर, कानून के बलबूते पर दिमाग लगा करके किसी व्यक्ति को घर से बेघर कर दिया है, तो उसका खामियाजा जाना आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। चाहे लूले लंगड़े होकर के भुगतो के, चाहे अंधे होकर के भुगतना पड़ेगा, चाहे प्रेत बाधा होकर के भुगतना पड़ेगा, चाहे पागल होकर के भुगतना पड़ेगा, चाहे मानसिक स्थिति खराब होगी तो भुगतना पड़ेगा, परंतु कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। तो जो हम आजकल देखते हैं, बहुत से मनुष्यों के ऊपर ऊपरी बाधा होती है, तंत्र बाधा होती, काला जादू होता है, ये कोई करता नहीं है, ये स्वतः समय आने पर वो आत्माएं जिनका आपने पिछले जन्म में खा पी करके आए हैं, किसी के साथ धोखा करके आए हो, किसी का पैसे की चोरी की है, किसी की हत्या की है, किसी का मर्डर किया है, तो वही आत्मा आपके पीछे आपके जन्म का इंतजार करती है। और जैसे आप जन्म लेते हैं, वह प्रेत आत्मा आपके पीछे पड़ जाती है और आपको तकलीफ देना प्रारंभ कर देती है। तो कर्म की गति न होने के कारण उनकी वासना जो है उस संपत्ति जमीन जायदाद में अटकी हुई होती है, तो वह पिशाच प्रेत योनि धारण करके मनुष्यों पर लग जाती है।
तो पिशाच योनि में जो आत्मा चली जाती है, मृत आत्मा स्वयं पर हुए अन्याय का बदला लेने के इरादे से हानि पहुंचाने वाले को अनेक प्रकार के दुख व कष्ट देती है। अब पिछले जन्म में आप पाप कर्म करके आ गए, आपने कई मनुष्यों के ऊपर अन्याय किया, तो आप कितने ही तांत्रिकों के पास चले जाओ, कितने ही ओगड़ अगोरियों के पास चले जाओ, कितनी ही बैठक पे चले जाओ, ईश्वर जब तक आपको वो कष्ट नहीं भोग लेगा तब तक आपको मुक्त नहीं करेगा। तो कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिनके ऊपर ऊपरी बाधा होती है, वो कहते हैं हमने अपनी जिंदगी के सब पैसे लुटा दिए, इसके पास भी चले गए, उसके पास भी चले गए, जिसने जैसा बोला वैसा कर रहे हैं, परंतु हमारी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, वो प्रेत आत्मा हमें नहीं छोड़ रही है, इसका मतलब ही यही होता है। तो पिशाच योनि में गई हुई आत्मा स्वयं पर हुए अन्याय का बदला लेती है और इस इरादे से हानि पहुंचाने वाले को अनेक प्रकार से दुख देती है। इसके अलावा भी अंत्येष्टि संस्कार, जिसको दाह संस्कार बोलते हैं, यदि किसी मनुष्य का विधि विधान से नहीं हुआ हो, दशांश क्रिया होती है, त्रयोदश वाली क्रिया होती है, वर्ष श्राद्ध होता है, ये विधि सम्मत नहीं हुए हो, या श्राद्ध कर्म का लोप हो गया, ने श्राद्ध कर्म किया ही नहीं आपने उनके लिए, या फिर आपके जीवन में मर तो गए और मरने के बाद पुत्र संतान नहीं है तो कौन आपका श्राद्ध कर्म करेगा। कन्या ही कन्या का होना, पुत्र होकर के मर जाए, या पुत्र हो भी जाए तो वो मर जाए, व्यापार में हानि होना, कर्ज का बढ़ जाना, अदृश्य कारणों से एकाएक जानवरों की मृत्यु हो जाना, परिवार में किसी न किसी का बीमार रहना, बुजुर्गों से हमेशा लड़ाई झगड़ा रहना, स्त्रियों के मासिक धर्म में अवरोध उत्पन्न होना और उनका मासिक धर्म अनियमित आना, बार बार गर्भपात होना, रोग के कारण का पता नहीं चलना, भोजन के समय में लड़ाई झगड़ा होना, बिना किसी कारण के पत्नी का त्याग कर देना, परिवार के किसी व्यक्ति का घर से भाग जाना, मेहनत से कमाए गए धन से हानि हो जाना, घर की जो वस्तुएं होती भोजन की उनमें बरकत नहीं होना, परिवार के सदस्यों पर भूत प्रेत होना, पिशाच इत्यादि शरीर के अंदर आना, घर परिवार के कोई न कोई सदस्य मंद बुद्धि या पागल होना, या संतान का पागल पैदा होना, परिवार में कलह होना, बनते बनते कामों का एकाएक बिगड़ते चले जाना, ये सब प्रेत बाधा और पिशाच बाधा के उदाहरण हैं। इन सब से मुक्ति भी हो सकती है, बशर्ते कि आप प्रायश्चित कर्म करें और अपनी जन्म पत्रिका पहले चेक करा लें कि क्या आप भाई का सामान जमीन जायदाद खा करके आए हैं, या किसी निर्वंशी का आपने पैसा खरीदा जमीन जायदाद खरीदी है, या फिर किसी निर्बल अबला को आपने जमीन जायदाद से बेदखल करके उसके ऊपर आपने अपनी धन संपत्ति जोड़ ली है, तो उसका खामिया जाना आपको भुगतना पड़ता, चाहे वो संपत्ति आपके परिवार के सदस्य जो उस समय जिंदा थे वो भोग रहे होंगे, परंतु आपकी वजह से कोई परिवार यदि बेघर हो गया, मकान संपत्ति जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा किसी से भी, तो वह आत्मा, वह मनुष्य की आत्मा आपको छोड़ती नहीं है, ऐसा ईश्वर का नियम है। तो प्रेत बाधा दूर करने के लिए पहले प्रायश्चित कर्म करना होते हैं, अब प्रायश्चित कर्म में उसकी जन्म पत्रिका चेक करना होती है, जिसमें मंगल दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, नाग दोष हो सकता है, प्रेत दोष हो सकता है, या फिर शनि चंद्र की युक्ति का विष योग भी हो सकता है, क्या अष्टम भाव में राहु बैठ सकता है, गुरु बैठ सकता है, बुध बैठ सकता है तो भी मान करके चले, या ग्रहण योग हो सकता है तो मान करके चले, कोई ना कोई पिछले जन्म की प्रेत आत्मा साथ में है, उसको शांत करना होती है, उसके लिए पूजा पाठ जप तप करना होते हैं और श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ करा करके नारायण बलि कराना होती, तब उस प्रेत आत्मा की पिशाच की मुक्ति होती, अन्यथा नहीं होती है।
अब आप कहेंगे साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो उसके लिए फिर आप अपने कर्मों पर विश्वास करो, कहीं से व्यवस्था करो, उधार लो, कैसे भी करो, क्योंकि वो इस हालत में आपको पहुंचा देते हैं कि कोई व्यक्ति आपको उधार भी नहीं देगा, इस हालत में पहुंचा देते हैं कि आप ये पूजा पाठ नहीं करा सकते, क्योंकि आपको उसका उसको आपसे बदला लेना ही लेना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी की दौलत पे अपनी बुरी निगाह मत रखो, किसी के मकान पर अपनी बुरी निगाह मत रखो, किसी की खेती मत हड़पो, कोई गरीब है, निर्बल है, तो उसके ऊपर अत्याचार मत करो, और घर परिवार के सदस्य मर जाए तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया विधि विधान से मंत्रोच्चारण के माध्यम से करें, दशांश क्रिया, एकादश क्रिया, त्रयोदश क्रिया और वर्ष श्राद्ध समय समय पर करें, विधि विधान से करें और दिल से करें, क्योंकि इन्हीं आत्माओं की वजह से, यही आत्मा जब मरती है तो आपके परिवार के सदस्य के रूप में मरती है, तो आपको संपत्ति दे जाती, जमीन जायदाद दे जाती, सोना चांदी दे के मर जाती है, तो आप उसमें से 10-20% 30% पैसा भी यदि उनके पिंड दान और श्राद्ध कर्म में खर्च नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये प्रेत दोष और पिशाच दोष लग जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति मर गया है उसकी आत्मा की शांति के लिए जो हिंदू सनातन धर्म में नियम है उसका पालन अवश्य करें, ताकि आपके ऊपर प्रेत दोष पितृ दोष नहीं लगे, और यदि किसी के शरीर में ऐसी प्रेत आत्मा पिशाचों का संचार होता है तो उसकी मुक्ति करवाएं, 2-3 बार श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराएं, 2-3 बार नारायण बलि करवाएं, ताकि उसकी मुक्ति हो सके। जब भी मांगलिक कार्यक्रम हुआ हो तो मांगलिक कार्यक्रम होने की दिनांक से 1 साल तक कोई भी नारायण बलि या कालसर्प दोष की पूजा नहीं हो सकती, और यदि गृह प्रवेश हुआ हो, विवाह हुआ हो, ऐसी कंडीशन में भी 1 साल तक गृह प्रवेश हुआ हो या विवाह हुआ हो तो 1 साल तक नारायण बलि और कालसर्प दोष की पूजा नहीं हो सकती। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यह रहस्यमय ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सुनाया जा रहा है। जय माता दी।